नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी की पूजा में दुर्वा घास के बहुत महत्व है। माना जाता है कि भगवान गणेश की पूजा बिना दुर्वा के अधूरी है और भगवान गणेश की आराधना में दुर्वा अर्पित करने से हर तरह का विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाती है। यहाँ तक कि शिव महापुराण में एक चर्चा आती है कि जब कुबेर देव गणेश जी महाराज को खाने के लिए निमंत्रण देते हैं तो उनका पूरा भंडार ही गणेश जी खा जाते हैं, या फिर इतना खाते हैं कि उनके पास जितने भी थे, यहाँ तक कि उनके नगर में जितने लोगों के पास अनाज था सारे खाने लगते हैं। वो दौड़कर भगवान शिव के पास जाते हैं, तब शिव जी उन्हें एक दुर्वा घास देते हैं और कहते हैं इसे गणेश जी को दे देना, उनकी भूख समाप्त हो जाएगी। और कुबेर देव महाराज वही दुर्वा घास गणेश जी को, सिर्फ एक दुर्वा ही उन्होंने कहा था, लेकिन उन्होंने सोचा एक से क्या होगा, इतने इतने खा रहे हैं तो चलो और दो चार ले लेते हैं। और उन्होंने वो दुर्वा घास जब गणेश जी को दिया तो गणेश जी तृप्त हो गए। तो गणेश जी को दुर्वा अर्पित करने का मतलब है आपने सब कुछ अर्पित कर दिया। दुर्वा अर्पित करने से हर तरह की विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है, घर में सुख शांति आती है। और जो दुर्वा गणेश जी को प्रिय है उसे बाल त्रिनम कहा जाता है। वैसे तो बुधवार के दिन दुर्वा गणेश जी को आप जरूर अर्पित करें। शास्त्र में कहा गया है कि दुर्वा के कुछ महाप्रयोग होते हैं जिसको अगर आप अपना लें जीवन में तो आपके लाइफ की बहुत सारी समस्याएं यूं ही समाप्त हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं दुर्वा के उन महाप्रयोगों के बारे में। अब सवाल ये है कि आप ये दुर्वा अर्पित कब करेंगे। देखिए, दुर्वा अर्पित करने तो वैसे तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बुधवार के दिन या फिर गणेश चतुर्थी के दिन अर्पित करें तो जल्दी आपको इसके फल अर्पित मिलते हैं। कड़ी मेहनत के बाद भी जब आपका कमाया हुआ धन हाथ में ना टिके, बहुत खर्च बढ़ गए हैं, बीमारियों पर खर्चा या इधर उधर होते हैं, बहुत सारे खर्च हो जाते हैं, तब आपको दुर्वा का ये उपाय जरूर करना चाहिए। आप किसी भी दिन कर सकते हैं। याद रखिए, आर्थिक तंगी से बचने के लिए, धन बचने के लिए, बैंक बैलेंस बढ़ने के लिए, धन संचय के लिए भगवान गणेश जी और माँ लक्ष्मी को कोई भी शुभ मुहूर्त या फिर गणेश चतुर्थी के दिन 5 दुर्वा में 11 गांठे लगाकर अर्पित करें। याद रखिए, 5 दुर्वा ले लें, उसमें 11 गांठ लगाएं और अर्पित कर दें। ऐसा करने से पैसों की समस्या समाप्त हो जाती है और धन बचने लगता है। अब सवाल ये भी है कि दुर्वा में 11 गांठ लगाएंगे कैसे। देखिए, आप चाहें तो दुर्वा घास में ही लगा सकते हैं। अगर आपको लगे कि ऐसा नहीं कर पा रहे तब आप 5 दुर्वा लेकर आप एक माला बनाकर भी उनको सफ़ेद धागा, याद रखिए सफ़ेद धागा में या लाल धागा में बनाकर गणेश जी को पहना सकते हैं। मान्यता है लंबे समय से अगर कोई काम आपका पूरा नहीं हो पा रहा है तब एक छोटा सा प्रयोग जरूर करें। कैसी भी मनोकामना हो, कैसी भी समस्या हो, कोई भी मन्नत हो, लेकिन जायज मन्नत मांगिएगा। अब ये नहीं कि आपने कुछ भी मांग लिया, आप प्रधानमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, ऐसा मांगिए जो जायज हो, जो भगवान पूरा कर सकें। यकीन मानिए वो जरूर पूरा हो जाता है। क्या करेंगे, दुर्वा घास को गाय के दूध में मिलाकर उसको लेप बना लें। यानी कि उसको आप चाहें तो दुर्वा घास को गाय के दूध के सहारे पीस लें, मिक्सी में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना दुर्वा लेंगे आपकी मर्जी है, एक भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। अब ये जो आपने दूध में मिलाकर उसको पीसा है ना दुर्वा को, इसका ही तिलक माथे पर लगाएं, आपकी मनोकामना जल्द पूरी हो जाती है। ये कब करेंगे, ये आप कभी भी कर सकते हैं। आप सोमवार के दिन से शुरू कर सकते हैं, बुधवार के दिन से शुरू कर सकते हैं, कभी भी शुरू कर लें, आपकी समस्त मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो जाती है। अब एक अभी के इस आधुनिक युग में एक और सवाल है कि परिवार में अपनापन बना रहे, घर में सुख शांति हो, तब आप गाय को दुर्वा खिला सकते हैं। यह शुभ माना गया है। अपने हाथों से दुर्वा ना मिले तो घास भी खिला सकते हैं, लेकिन हरा चारा खिलाने से घर में सुख शांति रहती है। लेकिन बुधवार के दिन जब आप गणेश जी को दुर्वा अगर मिल जाता है तो 11 या 21 भी ले सकते हैं और गणेश जी को अर्पित करें। धन का आगमन होता रहता है दुर्वा हमेशा। वैसे तो आप एक भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन 2, 4, 6 जोड़े में अर्पित करते हैं तो धन की मुश्किलें दूर होती है। याद रखिए,
मन्नत पूरी करने के लिए एक भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन धन के लिए जब आप जोड़े में अर्पित कर दें दुर्वा, तो सारी समस्या समाप्त हो जाती है। लेकिन दुर्वा के कुछ चमत्कारिक प्रयोग होते हैं जो आपका दुर्भाग्य को समाप्त कर देते हैं। तो गणेश जी की पूजा अर्चना में दुर्वा का विशेष इस्तेमाल होता है, क्योंकि इनकी पूजा अधूरी मानी जाती है दुर्वा के बिना। मांगलिक कार्य हो, गृह प्रवेश हो, मुंडन संस्कार हो या विवाह हो, हर जगह दुर्वा को शामिल करने की परंपरा है हमारे धर्म में। हमारे देश में शायद ही ऐसा कोई मांगलिक कार्य होगा जिसमें हल्दी दुर्वा की आवश्यकता ना पड़े, यानी कि दुर्वा और हल्दी हर हाल में चाहिए। और जब आप बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा अर्पित करना शुरू कर देते हैं, तो गणेश जी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। लेकिन कुछ चमत्कारिक प्रयोग आगे भी हम आपको बताएंगे। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। माना जाता है अगर आप नियमित रूप से गणेश जी को दुर्वा अर्पित करते हैं तो कुबेर के समान धन की प्राप्ति होती है। याद रखिए, कुबेर के समान धन की प्राप्ति होती है। अगर 11 दुर्वा हर बुधवार के दिन किसी भी पास के गणेश जी के मंदिर में या शिव जी के मंदिर में, गणेश जी तो होते ही हैं, अर्पित करना शुरू कर दें तो घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। और दुर्वा जब भी तोड़ें, कोई अच्छे जगह से तोड़िएगा, गंदे जगह से मत तोड़िएगा, कहीं भी मैदान वगैरह में है, साफ़ सुथरा जगह आप तोड़ सकते हैं। दुर्वा घास में कई पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जैसे एसिटिक एसिड, अल्कलाइड, कार्बोहाइड्रेट, फैट, क्यूमरिक एसिड, फाइबर, ग्लूकोसाइड, हाइड्रोकार्बन, लिग्निन, मैग्नीशियम, तमाम जैसी विटामिन ए, विटामिन सी जैसी चीज़ें होती हैं। और आयुर्वेदिक अगर हम माने तो आयुर्वेद में लिखा है दुर्वा घास को सहस्त्र वीर्य कहा गया है, इसके कई गुना लाभ और उपयोग को के बारे में बताया गया है। लेकिन एक कथा आती है, कथा जरूर सुनना चाहिए दुर्वा घास के बारे में, गणेश जी का आशीर्वाद मिलता है। युद्ध के मैदान में अनलासुर ने भगवान गणेश पर आग के गोले से हमला किया। भगवान गणेश ने अपना विश्वरूपन ग्रहण किया और उसे निगल लिया। अनलासुर खाने के बाद भगवान गणेश का शरीर गर्म होने लगा, पूरे शरीर में जलन होने लगा। इसे शांत करने के लिए चंद्रमा उन पर खड़ा था, भगवान विष्णु ने उन्हें अपना कमल दिया। भगवान शिव ने अतिरिक्त गर्मी को छोड़ने के लिए उसकी कमर के चारों ओर अपना सांप बांध दिया, लेकिन कुछ भी काम नहीं किया। जब ये सभी विफल हो गए तब ऋषियों के एक समूह ने दुर्वा घास के 11 पत्ते अर्पित किए। दुर्वा घास वह करने में सक्षम थी जो चंद्रमा, विष्णु के पवित्र कमल और शिव के पवित्र कोबरा एक साथ हासिल करने में समर्थ नहीं था। इसने भगवान गणेश के शरीर से राक्षस अनलासुर द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त गर्मी को नीचे लाया। आगे लिखा है कि प्रकृति में शीतल, स्वाद में मीठी, कसैली और पचने में हल्की होती है। ये कफ पित्त समक जड़ी बूटी है। ये दुर्वा घास महिलाओं के लिए खास उपयोगी है, हालांकि इसके बारे में बाद में बताएंगे। आज हम तांत्रिक प्रयोग के बारे में बता रहे हैं आपको, कुछ ज्योतिषीय प्रयोग के बारे में बता रहे हैं। चलिए आगे जानते हैं दो महाप्रयोग। भगवान गणेश को उनके प्रिय दुर्वा चढ़ाने से समस्त साधना शीघ्र ही संपन्न होकर फलदायी होती है। बुधवार या अमावस्या के बाद आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, जिसे हम विनायक चतुर्थी कहते हैं, इस दिन अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान गणेश के समक्ष दुर्वा 21 दुर्वा की गांठ अर्पित करें और फिर मंत्र बोलें। ध्यान रहे 21 दुर्वा को इकट्ठा करके एक ही गांठ बनाना है, सबको आप इकट्ठा करके किसी सफ़ेद धागा या लाल धागा के सहारे बांध लें। और गणेश जी के सिर पर ही हमेशा दुर्वा घास रहता है, आप उनको माला भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन पैरों में नहीं अर्पित करना चाहिए। तो दुर्वा अर्पित करने का मंत्र है श्री गणेशाय नमः दुर्वा कुरान समर्पयामी। इस मंत्र को बोलकर अगर आप दुर्वा अर्पित करते हैं तो समस्त मनोकामनाएँ आपकी पूरी हो जाती है। अगर आपका बनता कार्य बार बार बिगड़ जाए तब एक छोटा सा काम करें। बुधवार के दिन भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें, दुर्वा को उनके मस्तक पर चढ़ाएं। याद रखिए, लगातार 7 बुधवार के दिन ऐसा करने से बिगड़े काम बनने लगते हैं। गणेश जी को जब आप दुर्वा जो अर्पित करेंगे ना, जहां लोग चलते फिरते हैं वैसे जगह से मत लीजिएगा, साफ़ सुथरी जगह से लें। आप चाहें तो घर में एक मिट्टी का गमला लेकर आएँ, उसमें दुर्वा लगा सकते हैं। दुर्वा में प्रतिदिन पानी दें, देखभाल करें।
तो भी आपके लिए अच्छा है। माना जाता है जिसके घर में दुर्वा रहता है उसके घर में गणेश जी साक्षात रहते हैं। तो दुर्वा आप जरूर लगाइए अपने घर में, किसी भी पौधे हैं आपके फूलों के उसमें भी लगा सकते हैं। तुलसी का पौधा है तो आप उसके पास भी दुर्वा का पौधा लगा सकते हैं, ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और अगर आपके घर में बाय चांस तुलसी का पौधा है उसी में दुर्वा का पौधा उग आए तो ये अति शुभ है। आप किसी भी अच्छे दिन में उस दुर्वा को उठाकर आप गणेश जी को माँ लक्ष्मी को कहीं भी अर्पित कर दें और फिर उसको लाल कपड़े में बांध कर संभाल कर रख लें तो हमेशा आप आगे ही बढ़ते जाते हैं, पीछे नहीं आते हैं। गणेश जी का जैसे कि विघ्न विनायक पर श्रद्धा और विश्वास आपको रखना चाहिए। उनका बहुत सारा मंत्र है, आप किसी भी मंत्र का जप करके उन्हें दुर्वा अर्पित कीजिएगा, आपके लिए अच्छा है। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं, जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।